गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। वीडियो शुरू करने से पहले भाई आज है इंडिपेंडेंस डे, जो मैं ये शूट कर रहा हूँ जब ये वीडियो, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन फ्रॉम एलटी व्लॉग्स, मेरी तरफ से, अनिकेत की तरफ से, पूरे पर्थ की तरफ से। तो आज का टॉपिक ऐसा है जो भाई मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ना हर बंदा मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है। कमेंट्स में मैंने देख लिया है क्वेश्चन, मैंने अपने डीएम्स में देख लिया है क्वेश्चन, मैंने भाई मतलब बहुत जगह देख लिया है क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रक जॉब्स का सीन क्या है पर्थ में, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन होते हैं कि ट्रक जॉब मिलती कैसे है, कैसे कैसे ट्रक चलाने को मिलते हैं, एफर्ट कितना लगता है, बहुत सारे वेरियस चीज़ें हैं, तो हम इन पर टारगेट करने वाले हैं। और ये मैंने जॉब स्टार्ट क्यों की, क्या पे रेट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे ट्रक जॉब से रिलेटेड वो आज आंसर हो जाएंगे बेसिकली। आज मेरा वीडियो बनाने का प्लान वैसा था नहीं, क्योंकि मैं काम से आया था, अभी यूनिफॉर्म में हूँ मैं, ठीक है। बट बात है कि मौसम इतना बढ़िया है ना आज का, मैंने कहा कि यार वैसे हर टाइम बारिश होती रहती है तो आज मौसम सही है तो वीडियो खींच दी जाए। तो आज का ज्ञान तुम्हें मैं तो दूंगा ही दूंगा, बट मेरे साथ जो हमारे हाउसमेट है मिस्टर अत्री भाई, जिनको नहीं पता अत्री भाई कौन है भाई, पहली बात तो वो मेरे हाउसमेट है, ठीक है। मैं अनिकेत और वो रहते हैं, और एल्बनी की जो हमने वीडियोस बनाई थी 5-6, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हमें। अगर तुमने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको दा के देखो, आई बटन में मैं डाल दूंगा। काफ़ी टाइम लगा के हमने वीडियोज़ बनाई थी, काफ़ी टूर किया था हमने, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड बेसिकली उसमें तुम WO के बारे में देख सकते हो, WO की ब्यूटी देख सकते हो, WO में चीज़ें क्या हैं देखने को, और हमारे थोड़ा फन भी देख सकते हो उसमें, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। तो आज का ज्ञान भाई तुम्हें अत्री भाई देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली ट्रक का काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और इनको ही देखने के बाद, इनसे एक्सपीरियंस और फीडबैक लेने के बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। तो मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया, ती भाई मेरी डिग्री हो गई ख़त्म, तो आई विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स इन माई फील्ड। और उसके बीच में क्या है कि बाकी जॉब्स तो हैं, देखो क्लब वाली जॉब मैं अभी भी कर रहा हूँ वीकेंड्स पे, बट ट्रक का क्या है कि भाई सुबह करो दिन में फ्री, और काफ़ी अच्छी पेड जॉब भी है, एफर्ट लगता नहीं लगता, मतलब बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं कि कौन से ट्रक्स होते हैं, कैसे ट्रक्स होते हैं, एक्चुअल काम क्या होता है, मैनुअल हैंडलिंग होती है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अत्री भाई हमें इसके बारे में डिस्कशन देंगे और थोड़ी अपनी टिप्स भी देंगे, एंड ऑनेस्ट फीडबैक लेते हैं उनसे आज। ऐसे मैंने तुम्हें 15-20 सेकंड की हाईलाइट दे दी थी कि ये मेरा ट्रक है, ये मैं ट्रक चला रहा हूँ, ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैं काम स्टार्ट मैंने 4-5 महीने पहले कर दिया था, बट फुर्सत नहीं थी अभी बनाने की, और भी काम है जीवन में, तो आज वो दिन फाइनली आ चुका है, मौसम बहुत बढ़िया है, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। वीडियो पे डिस्कशन करने से पहले भाई हम ट्रक देख लेते हैं। ये एक्चुअली अत्री भाई का ट्रक है, लाइक मोस्टली वो चलाते हैं, तो ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एक ना वो है मिड रेंज ट्रक है, और इसका पीछे से भी शटर खुलता है, एंड क्योंकि ये लोग ड्रिंक्स की डिलीवरी ज़्यादा करते हैं तो साइड से भी शटर खुलता है। ये ट्रक मैनुअल है, जो मैं चला रहा था भाई वो ऑटोमेटिक था, बाकी अभी लॉक पड़ा है, अत्री भाई से चाबी लेके बाद में इसका टूर देंगे। बट भाई ट्रक के तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे, और भाई एक बहुत ज़रूरी बात जिस पर हमें बात करनी है वो है लाइसेंस, ठीक है। कुछ कुछ छोटे ट्रक्स आप कार के लाइसेंस से भी चला सकते हो, बट वो भी मैटर करता है कि आपके पास कार लाइक CA लाइसेंस है, विच इज़ कार ऑटोमेटिक। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ ऑटोमेटिक कार्स और ट्रक्स चला सकते हो, और दूसरा होता है सिर्फ सीरीज में, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों होता है। तो बहुत सारे व्हीकल्स डिपेंड करेंगे कि आपका लाइसेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली व्हीकल चला सकते हो। ट्रक लाइसेंस की बात करें तो भाई ट्रक लाइसेंस में भी 3-4 तरीके के होते हैं, और उस पर भी डिटेल वीडियो बन सकती है। तो अगर तुम्हें ट्रक लाइसेंसेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, क्योंकि ट्रक में भी मेरे ख्याल से भाई ऐसे तो MR और HR तो मेरे को याद है, बट 2-3 चीज़ और होती है उसमें भी, तुम्हें पहले लर्नर्स परमिट लेना होता है, फिर जाकर तुम कहीं उस पर एलिजिबल होते हो। तो मतलब वो किसी और वीडियो के लिए छोड़ेंगे, आप भी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। तो भाई हम अभी अपने बैकयार्ड में हैं, मैं बैठा हूँ चेयर पे, हमने एक और चेयर लगा ली मिस्टर अत्री भाई के लिए, जो अपना चेहरा पूरे 1 साल बाद दिखा रहे हैं एल्बनी ट्रिप के बाद। तो वैसे थोड़े शाय हैं बटी, बट अभी इनको जिम भी जाना है और अभी काम से आए हैं, सो के उठे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहली बात अत्री भाई, आप ट्रक का काम कितने टाइम से कर रहे हो गया यार? अब तो ऑलमोस्ट टू ईयर्स नाउ। तो आपने बीच बीच में कंपनी स्विच की कि जिस कंपनी के साथ थे उसी के साथ काम कर रहे हो? जी यार, मैंने स्टार्टिंग में मैंने छोटे ट्रक से स्टार्ट किया, और उसके बाद अब भी मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं ड्राइव करता, अभी छोटा ही है, मेनली ये सारा डिलीवरी का ही है, मैं ड्रिंक्स डिलीवर करता हूँ, तो हाँ बस यही है यार। ठीक है, पे ठीक है, अच्छा है, हाँ इट्स नॉट बैड। तो आपको अगर एडवांटेजेस और कॉन्स में स्प्लिट मारना हो, जो न्यू बंदे जिसने ट्रक आज तक नहीं चलाया, तो उसमें आपके हिसाब से एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? यार शायद से एडवांटेज ये है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, हाफ डे फिनिश हो जाता है आफ्टरनून में, यू हैव रेस्ट ऑफ द डे, यू नहीं जाना है कोई काम करना है। जैसे अत्री भाई और मैं नॉर्मली सेम टाइम पे आ जाते हैं, ये नैप लेके जिम चले जाते हैं, और मैं नैप लेके भाई नैप ही हो जाती है बहुत लंबी मेरी, तो अपना शेड्यूल थोड़ा अलग है। बाकी आपका जो ट्रक है इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, या फिर बंदा कार के लाइसेंस पे भी चला सकता है, क्योंकि आपका शायद मीडियम में आता है ट्रक? यार इसके लिए चाहिए होता है लाइसेंस, तो मैं इसके लिए हैवी रिजिड लाइसेंस चाहिए होता है। वैसे आई थिंक सो जो लाइट रिजिड होते हैं उसके लिए तुम्हें सिर्फ कार लाइसेंस पे चल जाता है। तो बेसिकली व्हीकल्स दो होते हैं, हैवी और लाइट।
इसके लिए चाहिए होगा तुम्हें हैवी लाइसेंस। तो आपका, लेकिन जिसके पास अगर पुराना कार लाइसेंस भी हो उसको भी एचआर का लाइसेंस डायरेक्ट बन जाएगा, उसको पहले लर्नर्स परमिट पे जाना पड़ेगा फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या सीन है? यार एचआर लाइसेंस के लिए यू शुड हैव ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस फॉर एटलीस्ट वन ईयर। हाँ ये क्वेश्चन भी था कि आप इंडियन लाइसेंस पे ट्रक चला सकते हो या नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो कोई गुंजाइश नहीं है बंदों के लिए? नहीं यार, इतना बड़ा व्हीकल है, एटलीस्ट यहाँ के रूल्स तो पता होना चाहिए। बाद में फाइन हमारे घर ही आ रहा हो। बाकी जैसे सब लोग को पता है पे काफी अच्छा होता है, तो आपके हिसाब से अगर और कोई जॉब हो जिसमें एफर्ट ज्यादा हो बट पे सिमिलर हो तो आप किसको प्रेफर करोगे? यार डिपेंड करता है, देख टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बात का पता है कि डिलीवरी कर रहे हो तुम या कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे कोई ग्रोथ तो नहीं है। पर अगर आपका योर एम इज टू स्टडी, योर एम इज टू डू बिजनेस और योर एम इज टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन डिलीवरी, तो ठीक है, पैसे कमाने के लिए इट्स अ गुड जॉब, इट्स अ स्ट्रेस फ्री जॉब बेसिकली। हां स्ट्रेस फ्री तो है यार। ठीक है, तुम अपना वो स्ट्रेस कहीं और लगा सकते हो, दिमाग कहीं और यूज करो। बाकी जिस जो जो मतलब ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जिसको ड्राइविंग का शौक है ना, चाहे वो गाड़ी हो साइकिल हो कुछ भी हो, तुम ये जॉब एंजॉय करोगे क्योंकि एज ही सेड स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। और एक हाँ एक क्वेश्चन और हमारी जनता की तरफ से कि काफ़ी ट्रक्स में मैंने देखा कि लोग मैनुअली लोडिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी बड़े ट्रक्स में फोकलिफ्ट से भी लोडिंग होती है, तो आपके हिसाब से ह्यूमन एफर्ट कितना लगता है जॉब में? यार जो बेसिकली जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें सारी लोडिंग जो होती है वो फोकलिफ्ट से होती है। हाँ और अनलोडिंग भी बेसिकली वो इलेक्ट्रिक पैलेट जैक होता है, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। अच्छा वो पंप करता रहता है, उसमें भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगता। पर जैसे ये मेरी जॉब है ये कम्प्लीटली अनलोडिंग, इसको और स्ट्रेस फ्री का पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी रन शीट में लिखा है कि आपको भाई इतने 50 से जितने भी ड्रॉप्स हैं वो 6-8 घंटे में करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 6-8 घंटे में करने हैं, ठीक है? ब्रेक के साथ एक घंटा डिले मैं कर देता हूँ भाई, तो काफी डिले कर देते हैं, बट ठीक है आपको पे मिल रही है उस चीज की। हाँ पे मिल रही है पर मैं डिले नहीं करता, मैं अपनी पे करके घर आ जाता हूँ, बट पैसे मिल रहे हैं ना उस चीज के, तो इट्स अ प्लस थिंग। हाँ भाई बंदा इतना काम कर रहा है, ऑफ कोर्स यार इट्स अ हार्ड वर्क, ये तो है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि आजकल जैसे हमें पता बॉर्डर्स खुल गए, कोविड वोविड सब चला गया, तो आजकल जॉब का सिनेरियो क्या, इजी है जॉब मिलना यहाँ पे ट्रक्स की या फिर टफ है अभी? यार कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑस्ट्रेलिया में जिसमें जॉब्स नहीं है, ठीक है? एवरीवेयर पीपल आर रिक्वायर्ड, चाहे कहीं भी हो कैसे भी हो, ठीक है? इवन इफ यू आर अनस्किल्ड, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि पर्थ में जैसे हम आ जाएंगे तो इंस्टेंटली जॉब्स, काफी लोग कहते हुए कि जॉब्स नहीं मिलती, तो भाई इनके जुबानी सुन लिया आपने कि जॉब्स अवेलेबल हैं, बट आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए होगा, तो वो दिक्कत मत करना कि लाइसेंस नहीं और तुम जॉब ढूंढने पहुंच गए। तो बाकी तेरे भाई जिम जा रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बाकी हाँ सी यू नेक्स्ट वीडियो में कब आने वाले हो ये भी बता दो, बहुत टाइम हो चुका आने के लिए। यार देखते हैं। यार एक तो यहाँ की लाइफ बहुत क्या कहते हैं, इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। हाँ ये तो यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये है कि नींद बिना में, नींद में सोने से पहले रिस्क रहता है कि भाई टाइम पे उठना है। हाँ। तो ये तो लाइफ का वो है ही, बाकी आप चेंज करके जिम जा सकते हो। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। तो भाई अत्री भाई अभी जा रहे हैं जिम, अगर तुम्हें इनसे और कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ और डाउट हो तो बता देना, उनको दोबारा पकड़ लेंगे और वीडियो बना देंगे। यस बिल्कुल, ऑल गुड यार, एनी क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। बिल्कुल सारे आंसर कर देंगे, अत्रि भाई से आंसर करवाएंगे। तो भाई एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं रहा वो है कि आप ये काम TFN पे करते हो कि AVN पे, ठीक है? काम आप दोनों पे कर सकते हो बट दोनों के ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। TFN पे मैं तभी सजेस्ट करूंगा इफ़ यू आर गिविंग राउंड अबाउट 30 आवर्स, क्योंकि अगर जैसे आप 30, 35, 40 आवर्स क्रॉस करोगे आपका टैक्स ना बहुत ज़्यादा कटना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल बी ना लॉस। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जो ना शुरू में 70-70 घंटे फुल टाइम जॉब है उसकी, तो मैं और अत्रि भाई फुल टाइम नहीं करते, तो वो फुल टाइम काम करता था, ऑलमोस्ट 70-75 आवर्स देता था हफ्ते के, और उसकी इनकम आती थी 3500 आफ्टर टैक्स, और उसके अगर तुम पे स्लिप देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट 4770 समथिंग की पे स्लिप थी और 3500 आ रहा था, तुम समझ लो कि 1200 तो तुम्हारा टैक्स ही कट रहा है। तो अगर तुम्हें बहुत सारे घंटे देने, अगर तुम चाह रहे हो कि मैं फुल वीक काम करूँगा, तो आई वुड सजेस्ट कि AVN पे काम करो, टैक्स देना पड़ेगा बट वो इतना नहीं होगा जितना आपका TFN पे होगा, क्योंकि उसमें आपकी सुपर एनुएशन भी कटती है और आपका टैक्स तो कटता ही कटता है। और कितना टाइम मैं काम करता हूँ भाई, मैं मुश्किल से मेरे हो पाते हैं 20-25 आवर्स, वो भी इसलिए क्योंकि आजकल कोई लिमिट नहीं है काम करने पर, तो मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी क्लब वाली जॉब करता हूँ, और डे में वीक में मोस्टली मैं ट्रक वाला काम करता हूँ,
अत्री भाई का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो मेरी तरह दो जॉब्स करते हैं बट उनकी सेकंड जॉब ऊबर चलाते हैं वो, तो ट्रक का काम उनका दिन में खत्म हो जाता है, दो तीन घंटे नैप ली, जिम गए, शाम को ऊबर पे निकल गए। तो ये एक पॉइंट था जो आई थिंक इंक्लूड करना चाहिए था इस वीडियो में। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, होप तुम्हारे काफ़ी सारे आंसर्स आए, नो सारे तो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए होंगे बट काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर हो गए कि जॉब्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कैसे कैसे टाइप के ट्रक्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप के लाइसेंस होते हैं, उस पर भाई प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे ट्रक्स होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, मैनुअल होते हैं, तो आई होप थोड़ा आंसर तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी और क्वेश्चन हो भाई प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, आई विल ट्राई कि अगर वो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है तो मैं कमेंट में रिप्लाई बैक कर दूंगा। बट भाई तुम्हें अगर ट्रक के काम के बारे में कुछ भी जानना है या फिर अगर तुम पर्थ में हो और तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है और तुम ट्रक का काम करना चाहते हो, भाई DM कर देना मेरे को, कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो भाई तुमसे वहाँ मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन, होप यू गाइज फाउंड दिस हेल्पफुल, लाइक कर देना भी पसंद आई हो तो, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।